स्टूडेंट, माय नेम इज श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन सेकंड कंप्लीट करा दिया था, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है। तो जो दादी माँ है, दादी माँ की यादें आने के साथ साथ लेखक को अपने बचपन तक दादी माँ से जुड़ी हुई अनेक घटनाओं की याद आती है। जैसे कि जिस प्रकार उन्होंने महीने में बरसात जल में भरे जलाशय में कूदकर नहाना, बीमार हो जाने के बाद में दादी माँ का ध्यान, दादी माँ उनकी सेवा करना, उनको दवाई देना, उसके बाद में रामी की चाची से कर्ज, रामी की चाची कर्ज मांगती है, उसके बाद जो उनकी पुत्री का विवाह होने के बाद में उनका जो कर्ज है वो माफ़ कर दिया जाता है, और हर प्रकार के पैसों को माफ़ किया, जो भी कर्ज लिया था वो माफ़ किया, और पिता के जो आर्थिक संकट से व्याकुल होने पर दादी माँ ने अपना कंगन, जो कंगन था वो देकर चिंता मुक्त करना आदि अनेक पदे लेखक के मन में एक दूसरे करके आती चली जाती है। दादी माँ की मृत्यु के बाद में, सॉरी, दादाजी की मृत्यु के बाद में लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? क्योंकि वो इसलिए ख़राब हो गई कि जो लेखक के पिताजी हैं उन्होंने दुनिया के कहे मुताबिक दादा का श्राद्ध बहुत अधिक धन खर्च कर किया, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। थर्ड क्वेश्चन है कि दादी माँ का स्वभाव कौन सा पक्ष सबसे अधिक अच्छा लगा और क्यों? दादी माँ का परोपकार की भावना कूट कूट भरी थी, उनका मन किसी को दुखी देखकर मोम की तरह पिघल जाता था। लेखक को एक दिन रामी की चाची धन्नो मिली, जो दादी माँ को कोसने की बजाय उनको मंगल कामनाएँ दे रही थी। लेखक ने इसे पर आश्चर्य हुआ कि क्योंकि दादी धन्नो के घर उनकी लड़की के विवाह के अवसर पर शुभकामना देने गई थी। दादी ने धन्नो को कुछ रुपए ऋण के रूप में दिए थे। वादे के अनुसार उसे ये रुपए एक महीने में ब्याज सहित लौटाने थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। दादी माँ का फटाफट जो दादी माँ ने उसे फटकारा तो ऐसा लगा कि वह भी सूदखोर महाजन की भांति कठोर और स्वार्थी है, लेकिन धन्नो की बेटी के विवाह के अवसर पर वह धन्नो के घर जा पहुंची, उसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया, यह तक भी नहीं अपनी ओर से 10 रुपए सहायता के रूप में दे दिए। इससे दादी माँ का जो हृदय है वह दया व अनुभूति से पूर्ण हो गया। इसमें यह कहा गया है कि दादी माँ किस प्रकार जो रामी की चाची ने कर्ज लिया था उसको फटकारने की बजाय, उसकी जब बेटी का शादी थी तो उनके घर पे उस जाके दादी माँ ने सारा कर्ज माफ़ कर दिया, और इतना भी नहीं और भी ज़्यादा कर्ज माफ़ करने के बाद में उसको खुद के तरफ से 10 रुपये उन्होंने उसको दिया और उसकी भावना को समझा। इस प्रकार उन्होंने दादी माँ है वह हृदय दया और सहानुभूति से पूर्ण है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। कहानी से आगे आपने इस कहानी में महीने के नाम पढ़े, जैसे कुवार, आषाढ़, माह, इन महीनों में मौसम कैसा रहता था लिखिए। कि देखिए आप, कुवार का महीना वर्ष ऋतु का अंतिम महीना होता है। इस महीने में वर्षा प्राय थम जाती है, मौसम में न गर्मी होती न ठंड। आषाढ़ में महीने में बरसात का मौसम होता है, गर्मी कम होती है, बादल घुमड़ घुमड़ कर छिन लगते हैं। माह के महीने में ठंड पड़ती है, पाला भी पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें लिखिए। लेखक ने इस कथन के अनुसार बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। हर मौसम में अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलती है, ये तो आपको सबको पता है। मौसम के अनुसार खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, फल आदि गर्मी के मौसम में मिलते हैं। सेतू और शरबत, सेतू का शरबत का उपयोग भी होता है। पहनने के लिए हल्के सूती कपड़े गर्मियों में पहने जाते हैं। बरसात के मौसम में आम, जामुन, अनार, फालसा आदि फल मिलते हैं। इसके बाद में मौसम के कई त्यौहार होते हैं आते हैं। रक्षाबंधन के समय में घेवर, फीनी पकवान खूब पकाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में फाग, पंजीरी आदि बनते हैं। और जाड़े के मौसम में ठंड पड़ती है, तो इस मौसम में खाना पीना ठंडा बासा से रहने से ज्वार लगता है। गर्मी गर्म पकौड़े, मंगोड़ी पकौड़ी, जलेबी, कचौरी, तिल के लड्डू आदि खूब बनते हैं। गर्म कपड़ों का प्रयोग होता है। जाड़ों के प्रारंभ में दीपावली का त्यौहार आता है, इस अवसर पर खीर, पताशे और मिठाइयां खूब अच्छी लगती है। आगे क्वेश्चन देखिए, अनुमान और कल्पना।
इस कहानी में कई प्रकार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी है। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक स्थिति में गाँव के लोगों को ऋण देना पड़ता होगा, कि उन्हें कहाँ तक मिलता होगा। बड़ों की बातचीत इस विषय में लिखिए। इसमें देखिए विवाह, मृत्यु भोज, बीज, खाद, मुकदमा, बीमारी आदि के लिए जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें ऋण लेना ही पड़ता है। यह ऋण उन गाँव वालों के लिए महाजनों और बैंक से मिलता है कि अगर गाँव वालों में विवाह, मृत्यु भोज या बीज, खाद या मुकदमा या बीमारी आदि चीज़ हो जाती है तो उन्हें इस अवसर पर या तो बैंकों में या महाजनों से उनको उधार लेना पड़ता है, मतलब ऋण लेना पड़ता है। महाजन अधिक ब्याज पर ऋण देते हैं और बड़ी कठिनाई से वसूल करते हैं, कठोरता से, क्योंकि जो महाजन लेते हैं, महाजन से अपन आप लोगे तो उसमें आपको अधिक ऋण भी देना पड़ेगा और उनको जब वो वसूली करते हैं तो कठोरता से वसूल करते हैं। बैंकों से ऋण आसानी से नहीं मिलता, बैंकों से ऋण भी आसानी से नहीं मिलता। छोटे और निर्धन किसान ऋण चुकाते चुकाते ही संसार से विदा हो जाते हैं, कि उनका मतलब ऋण ही नहीं चुकता लेकिन वो उससे पहले ही समाप्त हो जाते हैं। घर पर होने वाले उत्सव और समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं और अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर लिखिए। घर की सफाई, सास सजावट में हाथ बटाते हैं, पड़ोस या बाजार से आवश्यक वस्तुएं ले जाते हैं, छोटे भाई बहनों को बहलाते हैं और खिलाते हैं ताकि उनकी माँ और अन्य लोग घर का काम निपटा सकें। इस प्रकार आज हमारा का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज का आपका होम टास्क है, जितने भी क्वेश्चन आंसर हमने आपको समझाए हैं वे सारे आपको होम टास्क में करने हैं और साथ के साथ अंकुलन भी करना है। हमने आपको दो चैप्टर कंप्लीट करा दिए, इनके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और इनके जो लेसन एंड होने के बाद में जो क्वेश्चन आंसर हैं वे, ये सब आपको याद भी करने हैं और काम कंप्लीट भी करना है। बाय बाय, थैंक यू।